तो स्वागत है आपका एक और वीडियो में। एंड आज के इस वीडियो में हम एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन स्पाइडरमैन का आपस में कंपैरिजन करेंगे। हमारे पास है यहाँ पे पीटर पार्कर यानी ओरिजिनल स्पाइडरमैन एंड माइल्स मोरालिस एंड अपने इंडिया का स्पाइडरमैन पवित्र प्रभाकर। एंड आज के इस वीडियो में हम इन तीनों स्पाइडरमैन का कॉमिक्स के ऊपर कंपैरिजन करेंगे, तो आपको स्पॉयलर्स की चिंता लेने की जरूरत नहीं है अक्रॉस द स्पाइडरवर्स का। आप बेझिझक इस वीडियो को एंजॉय कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब मार देना एंड बगल वाले बेल आइकन को भी ऑन कर देना ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देख सको। तो सबसे पहले बात करते हैं ओरिजिनल स्पाइडरमैन पीटर पार्कर की। पीटर पार्कर को उसकी पावर मिलती है एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर के काटने की वजह से। म्यूटेंट स्पाइडर के काटने की वजह से ही उसकी सारी एबिलिटीज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। सिंपल ह्यूमन के मुकाबले में उसकी स्ट्रेंथ, स्पीड, एजिलिटी, जंपिंग, रिफ्लेक्सेस, स्टेमिना, ड्यूरेबिलिटी, कोऑर्डिनेशन, वॉल क्लाइंबिंग एंड स्पाइडर सेंसेस जैसी एबिलिटीज बहुत बढ़ जाती हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसकी स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो स्पाइडरमैन 10 टन्स या फिर इससे ज्यादा वेट को बहुत आराम से लिफ्ट कर सकता है। इसके अलावा स्पाइडरमैन पंचेस एंड किक्स टिका सकता है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं एक सिंपल ह्यूमन के मुकाबले में। स्पाइडरमैन की ये स्ट्रेंथ उसे अलाउ करती है कि वो पावरफुल से पावरफुल एनिमी को भी बहुत आराम से बीट कर दे। इसके अलावा स्पाइडरमैन की स्ट्रेंथ कई हद तक उसकी विल पावर के ऊपर भी डिपेंड करती है। अगर स्पाइडरमैन बहुत ज्यादा गुस्से होगा तो उसकी स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली बहुत बढ़ जाती है, फिर उसे हाई मशीनरी द्वारा भी रोका नहीं जा सकता एंड ऑटोमोबाइल्स एंड डिफरेंट वेपन से भी उसे रोका नहीं जा सकता क्योंकि वो उनसे आराम से बचते हुए अपने स्ट्रेंथ का प्रदर्शन करता है। स्पाइडरमैन सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्रूटल स्ट्रेंथ से टीरेक्स जैसे पावरफुल बीइंग का भी सफाया कर सकता है सिर्फ स्ट्रेंथ से। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी सुपर ह्यूमन स्पीड की। इसकी स्पीड ह्यूमन मेड किसी भी चीज से बहुत ज्यादा है क्योंकि ये कार्स, एयरप्लेन्स एंड इवन बुलेट से भी डॉच कर सकता है। इसकी स्पीड में मेजर रोल रहता है इसके सेंसेस, एजिलिटी एंड रिफ्लेक्सेस का, जिसकी हेल्प से ये इजीली डॉच कर सकता है किसी भी टाइप के बुलेट से। स्पाइडरमैन की स्पीड उसके रिफ्लेक्सेस एंड एजिलिटी को तो बढ़ा ही देती है, लेकिन इससे उसको हेल्प मिलती है हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट में एंड इवन अपनी वेब शूटिंग का यूज भी वो अपनी स्पीड के लिए करता है। स्पाइडरमैन इजीली रन कर सकता है अराउंड 200 mph की स्पीड से, लेकिन स्पाइडरमैन अपने दौड़ने की वजह से नहीं अपने वेब स्विंगिंग की वजह से जाना जाता है। नेक्स्ट है इसके पास सुपर ह्यूमन एजिलिटी। स्पाइडरमैन की ये एबिलिटी उसे मैक्स स्पीड प्रोवाइड करती है एंड रिफ्लेक्सेस को प्रोवाइड करती है। माना जाता है कि स्पाइडरमैन की सुपर ह्यूमन एजिलिटी उसे 25 टाइम्स मोर पावरफुल बना देती है हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट में, एरोबैटिक स्किल्स में एंड जंपिंग में। इसीलिए एजिलिटी स्पाइडरमैन के साथ हमेशा है। इसके बाद उसके पास है सुपर ह्यूमन जंप। स्पाइडरमैन का जंप भी बहुत कमाल का होता है क्योंकि वो 100 मीटर से भी हायर जंप्स को परफॉर्म कर सकता है। एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग को जाने के लिए सिर्फ हल्की नहीं बल्कि अपना स्पाइडरमैन भी जंप कर सकता है। इसके बाद है सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस। स्पाइडरमैन के मेनली रिफ्लेक्सेस डिपेंड करते हैं उसके सेंसेस के ऊपर। स्पाइडरमैन के पास 6 सेंसेस है जिनकी हेल्प से वो इजीली किसी भी अटैक से डॉच कर देता है एंड इवन ये सेंसेस उसे फ्यूचर प्रिडिक्शन एबिलिटी का भी यूज करने देते हैं। फ्यूचर प्रिडिक्शन, इससे स्पाइडरमैन को ऑलरेडी पता चल जाएगा कि आने वाले फ्यूचर में उसके साथ क्या होने वाला है एंड डिफरेंट अटैक से भी डॉच करने में हेल्प करते हैं उसके ये स्पाइडर सेंसेस। एंड इन्हीं की वजह से स्पाइडरमैन के रिफ्लेक्सेस ऑटोमेटिकली बहुत एनहांस्ड हो जाते हैं क्योंकि उसे पहले ही पता होगा कि उसके ऊपर क्या होने वाला है तो उससे बचेगा ही। नेक्स्ट है सुपर ह्यूमन स्टेमिना। स्पाइडरमैन कभी थकता नहीं है, जो एबिलिटी इसे 1 मिनट से ज्यादा सांस रोकने में भी हेल्प करती है। नेक्स्ट है सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी। इस एबिलिटी की हेल्प से स्पाइडरमैन के ऊपर भले कोई भी अटैक हो लेकिन वो आराम से विदस्टैंड कर सकता है। फॉर एग्जांपल लेजर गन्स, इलेक्ट्रोनक्शंस, स्मैशर्स, ऑब्स्टेकल्स, गैसेस एंड एक्सप्लोसिव्स एंड सर्वाइव्स फ्रॉम द फॉल्स, ऐसे बहुत से अटैक्स हैं जिनसे स्पाइडरमैन इजीली बच सकता है क्योंकि उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत कमाल की है। क्योंकि उसकी ड्यूरेबिलिटी डिपेंड करती है उसके हीलिंग फैक्टर पे। एक रेडियोएक्टिव स्पाइडर ने काटा था तो इजीली उसके पास रीजेनरेटिव हीलिंग फैक्टर है जिस वजह से उसकी ये एबिलिटीज ऑटोमेटिकली एनहांस्ड हो जाती है। खैर इसके अलावा स्पाइडरमैन के पास सुपर ह्यूमन इंटेलिजेंट भी है क्योंकि ये मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इवन बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट में एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, जिसकी वजह से ये आराम से डिफरेंट इक्विपमेंट को बना सकता है ताकि वो उन्हें काउंटर कर सके अपने एनिमीज के ऊपर। लाइक वेब शूटर्स इसने खुद बनाए हैं जो कि इसे 100 मीटर की रेंज देते हैं शूट करने में। इसके अलावा इसके पास वेब स्लिंगर्स है एंड जरूरत पड़ने पे ये अपने वेब्स को या अपनी टेक्नोलॉजी को इंक्रीज भी कर सकता है लाइक इलेक्ट्रिक वेब्स। एंड यही सब एबिलिटी स्पाइडरमैन को एक परफेक्ट एंड कंप्लीट कैरेक्टर बनाती है। अब हम बात करते हैं सेकंड स्पाइडरमैन यानी माइल्स मोरालिस की। तो अगर हम माइल्स मोरालिस की फर्स्ट अपीयरेंस की बात करते हैं तो ये अपीयर हुआ था अल्टीमेट फॉलआउट इशू नंबर 4 कॉमिक में। एक्चुअली में इसके यूनिवर्स में पीटर पार्कर की डेथ हो जाती है एंड 13 साल का एक अफ्रीकन अमेरिकन बच्चा बनता है न्यू स्पाइडरमैन। माइल्स पीटर को अपनी एक इंस्पिरेशन मानता है एंड ये बिलोंग करता है अर्थ 1610 से। हालांकि अगर हम इसके ओरिजिन को शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं तो इसके अंकल
अंकल यानी क्रॉलर एक बार ऑस्कॉर्प बिल्डिंग के बाहर घूम रहे थे, लेकिन बाद में उस ऑस्कॉर्प बिल्डिंग में एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहे थे। वो स्पाइडर क्रॉलर के साथ गलती से आ जाता है एंड जब क्रॉलर घर पहुंचता है तो वो स्पाइडर माइल्स को देखता है एंड माइल्स को काट लेता है। एंड एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर की ही वजह से माइल्स मोरालेस को भी उसकी पावर मिलती है एंड वो बनता है द स्पाइडरमैन। लेकिन खैर अगर हम इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज की बात करते हैं तो स्पाइडरमैन होने की वजह से इसके पास वो सब सेम पावर्स हैं जो पीटर पार्कर के पास है। लेकिन बहुत से लोग मानते हैं कि वेब क्रॉलिंग एंड इवन बिल्डिंग से जंप मारने में, वेब शूटिंग में ये स्पाइडरमैन यानी पीटर पार्कर से भी ज्यादा बेहतरीन है। खैर इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे ही कंपैरिजन में। हाँ ये बात तो है कि इसकी ऑलमोस्ट सारी एबिलिटीज पीटर पार्कर की ही तरह है, बट इसके पास कुछ प्लस एंड पावरफुल एबिलिटीज भी है लाइक कैमोफ्लैग। ये एबिलिटी पीटर पार्कर के पास नहीं है बट इसके पास है। इस एबिलिटी की हेल्प से ये आसपास के सराउंडिंग का बहुत अच्छी तरह यूज कर सकता है एंड अपने सराउंडिंग में फिट हो सकता है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये इनविजिबल हो सकता है यानी इनविजिबिलिटी। खैर इसके अलावा ये डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी को बर्स्ट कर सकता है, मतलब बहुत से एनर्जी को ये एक पॉइंट पे चैनलाइज कर सकता है एंड उसे बर्स्ट के रूप में भी यूज कर सकता है। एंड नेक्स्ट एबिलिटी है इसके पास वेनम ब्लास्ट। इस एबिलिटी में ये अपनी बॉडी से हाई अमाउंट ऑफ बायो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकता है एंड अपने हैंड या फिंगर्स के थ्रू कंट्रोल कर सकता है उस इलेक्ट्रिसिटी को एंड अपने अपोनेंट के ऊपर उस एनर्जी का यूज कर सकता है, यानी एक तरह से ये अपने हाथों से बिजलियां मार सकता है। तो ये तीन एबिलिटीज पीटर पार्कर से ज्यादा अटैक्स एंड एबिलिटीज प्रोवाइड करती है माइल्स मोरालेस को। इसके बाद हम अपने लास्ट स्पाइडरमैन इंडियन स्पाइडरमैन की बात करते हैं यानी पवित्र प्रभाकर की। तो मार्वल कॉमिक्स में पवित्र प्रभाकर 50101 अर्थ से बिलोंग करता है एंड ये एक शाही हाई स्कूल स्टूडेंट है जो अपनी आंट माया एंड अंकल भीम के साथ रहता है मुंबई सिटी में। खैर अगर हम इसके ओरिजिन की बात करते हैं तो ये सचमुच बहुत मजेदार है। खैर हम इसे शॉर्ट में समझने की कोशिश करें तो पवित्र प्रभाकर बार बार बुली होता रहता था अपने स्कूल के बच्चों से। उसे हर कोई बुली करता रहता था उसकी धोती की वजह से एंड उसके डिफरेंट कस्टम की वजह से। लेकिन खैर बाद में पवित्र उनसे परेशान होता है एंड एक दिन उसे सब बच्चे बुली कर रहे होते हैं कि वो उनसे ही भाग रहा होता है, लेकिन रास्ते में ही उसे एक मिस्टिकल योगी मिलते हैं जो कि पवित्र को मैजिकल पावर्स देते हैं स्पाइडर की एंड उसके पास स्पाइडर्स की पावर्स को पोजेस करने के बाद वो बनता है इंडियन स्पाइडरमैन। बाद में ओबीराव नाम का एक सुपर विलन आता है एंड वो उसके विलेज को एंड उसके पीपल्स को मार देता है। फिर पवित्र को गुस्सा आता है एंड उसे ये बात रियलाइज होती है कि विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इसीलिए लास्ट में पवित्र उसे बीट करता है एंड पुलिस के हवाले कर देता है एंड यहीं से स्टार्ट होती है उसकी स्पाइडरमैन की जर्नी। हालांकि अगर हम इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज के ऊपर बात करते हैं तो इसके पास वो सेम पावर्स हैं जो पीटर पार्कर के पास है, बट अभी ये न्यू है उन पावर्स को यूज करने में। लेकिन इसके पास एक प्लस पॉइंट ये है जो हमने अक्रॉस द स्पाइडरवर्स मूवी में देखा कि ये अपने कड़ों से भी फाइट कर सकता है, यानी कि इंडियन वाइफ्स की स्टाइल में भी ये फाइट कर सकता है एंड अपने सराउंडिंग का एंड जो इसने कड़े पहने हैं एंड गले में कुछ पहना हो तो उनसे भी ये फाइट करता है। तो अब हमने इन तीनों स्पाइडरमैन के ओरिजिन एंड इनके पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में डिटेल में जान लिया है। अब इसीलिए अब हम इनका कंपैरिजन करते हैं एंड पता लगाने की कोशिश करते हैं कि तीनों में ज्यादा सुपीरियर कौन है। लेकिन मेरे पर्सनल ओपिनियन से पहले आप सब लोग इस वीडियो को पॉज करके अपना पर्सनल ओपिनियन कमेंट में जरूर शेयर कर देना कि आपके अकॉर्डिंग इन तीनों स्पाइडरमैन में ज्यादा सुपीरियर एंड पावरफुल स्पाइडरमैन कौन सा है। लेकिन अब आप मेरा ओपिनियन भी सुन लो। तो सबसे पहले अगर हम पीटर पार्कर वर्सेस माइल्स मोरालेस का कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पे अब भी बहुत से लोगों को डाउट है, क्योंकि अगर आप ध्यान से सोचोगे तो माइल्स मोरालेस के पास ज्यादा हाईटेक टेक्नोलॉजी है एंड अटैक्स का एडवांटेज है पीटर पार्कर के ऊपर। माइल्स मोरालेस की एबिलिटीज लाइक वेनम ब्लास्ट, इनविजिबिलिटी उसे पीटर पार्कर के ऊपर एक अपर पॉइंट देती है। लेकिन क्या इसके बावजूद वो पीटर पार्कर को बीट कर सकता है या नहीं, अगर मैं पर्सनली कहूँ तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये सब एबिलिटीज उसे थोड़े टाइम के लिए अपर पॉइंट तो दे दें, लेकिन क्या पीटर के एक्सपीरियंस के आगे ये काम कर सकती है। माइल्स को उसकी ये पावर मिली जब वो 13 साल का था एंड इसके बाद भी ये अपने पावर्स में बहुत कम है, मतलब अगर हम पीटर पार्कर की बात करें तो उसने ज्यादा सुपीरियर लेवल के विलन का सफाया किया है माइल्स के मुकाबले में। उसके पास बहुत सालों का एक्सपीरियंस है जो उसे किसी भी फाइट में एक अपर हैंड सीधा दे देता है। लेकिन इसके बावजूद बहुत से लोग ये मानते हैं कि माइल्स की स्पाइडर सेंस एबिलिटी भी पीटर से ज्यादा है, मतलब उसके सेंसेस ज्यादा अच्छी तरह वर्क करते हैं पीटर पार्कर के मुकाबले में एंड इवन उसकी वेब शूटिंग एंड वॉल क्लाइंबिंग भी ज्यादा बेहतरीन एक्सक्लूसिव लगती है पीटर पार्कर के मुकाबले में। इसीलिए बहुत लोग मानते हैं कि माइल्स अपनी एबिलिटीज की हेल्प से पीटर को बीट कर सकता है। मैं पर्सनल ओपिनियन दूं तो मैं ये मानता हूं कि माइल्स की एबिलिटीज पीटर से काफी ज्यादा हैं। इवन उसके पास कुछ प्लस एबिलिटीज भी है, बट क्या उसका एक्सपीरियंस पीटर के लेवल का है? जहां तक मुझे लगता है कि माइल्स अपने डिफरेंट एबिलिटीज को भले ही कंबाइन करके पीटर के ऊपर यूज करे, बट पीटर के एक्सपीरियंस के आगे वो काम नहीं आने वाला। इसीलिए भले ही माइल्स की एबिलिटीज पीटर पार्कर के मुकाबले ज्यादा अच्छी हो, लेकिन मेरे पर्सनल ओपिनियन में अपने एक्सपीरियंस की वजह से पीटर पार्कर ज्यादा सुपीरियर है। खैर अगर हम माइल्स मोरालेस एंड पवित्र प्रभाकर की बात करते हैं
तो उसमें माइल्स के जीतने के ज्यादा चांसेस है क्योंकि ये दोनों ही स्कूल स्टूडेंट है। तो अगर हम पवित्र की एज को कैलकुलेट करें तो 15-16 साल हो सकती है, लेकिन अगर हम माइल्स की बात करते हैं तो उसकी 14-15 साल अब तक पहुंच चुकी है। लेकिन इसके बावजूद हम इनका कंपैरिजन करें तो इसकी ज्यादा एबिलिटीज हमें दिखी है, मतलब माइल्स की एबिलिटीज पवित्र प्रभाकर के मुकाबले में ज्यादा शो हुई है। पवित्र प्रभाकर को कॉमिक में भी उतना टाइम नहीं दिया गया है जितना माइल्स के ऊपर वर्क किया गया है। माइल्स के ऊपर जो इसके वेनम स्ट्राइक अटैक्स हैं, डिफरेंट टाइप के एनर्जीज को मैनिपुलेट एंड बर्स्ट करने वाले अटैक है एंड इनविजिबिलिटी, ये सब एबिलिटीज उसके पास नहीं है, मतलब पवित्र प्रभाकर के पास। हालांकि ये सब एबिलिटीज पीटर पार्कर के पास भी नहीं है, बट पीटर पार्कर ज्यादा सुपीरियर रहा अपने एक्सपीरियंस की वजह से क्योंकि वो मेन स्पाइडरमैन है एंड ज्यादा स्क्रीन टाइम अचीव कर चुका है। लेकिन अगर हम पवित्र प्रभाकर की बात करते हैं तो उसे उतना स्क्रीन टाइम नहीं दिया गया जितना माइल्स या फिर पीटर को दिया गया है। इसीलिए माइल्स की ज्यादा टेक्नोलॉजी एंड एज में ज्यादा डिफरेंस ना होने की वजह से मे भी माइल्स अपनी पावर्स एंड एबिलिटीज की हेल्प से पवित्र के ऊपर भारी पड़ जाएगा। पवित्र के पास वो सब सेम एबिलिटीज है जो पीटर के पास है, बट उसके पास उसका एक्सपीरियंस भी नहीं है। लेकिन माइल्स एंड उसकी एज सेम होने की वजह से मेरे अकॉर्डिंग माइल्स मोरालिस अपनी पावर्स एंड एबिलिटीज से एंड अपने डिफरेंट टाइप के अटैक से पवित्र प्रभाकर को बीट कर सकता है। और जहाँ तक लास्ट अगर हम पीटर पार्कर एंड पवित्र प्रभाकर की बात करते हैं तो आपको बताया कि पीटर पार्कर इज मोर सुपीरियर देन पवित्र प्रभाकर। तो ये था मेरा पर्सनल ओपिनियन। मेरे ओपिनियन में नंबर 3 पे पवित्र प्रभाकर रहेगा, नंबर 2 पे माइल्स मोरालिस एंड इस पूरे बैटल का विनर आएगा अपना ओरिजिनल 616 स्पाइडरमैन पीटर पार्कर। लेकिन खैर ये तो मेरा पर्सनल ओपिनियन था इस पूरे बैटल को लेके। आपका क्या ओपिनियन है आप हमें कमेंट में जरूर शेयर करके जाना एंड अगर मुझसे कोई डिटेल एंड फैक्ट मिस हो गया है तो कमेंट में जरूर बता देना। लेकिन खैर इन तीनों में से आपका फेवरेट स्पाइडरमैन कौन सा है आप हमें कमेंट में जरूर शेयर करके जाना एंड पवित्र प्रभाकर के ऊपर क्या आप लोग भी मेरी तरह सोलो मूवी देखना चाहते हो ये बात भी जरूर बता देना। लेकिन खैर अब इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब मार के बगल वाले बेल आइकन को जरूर ऑन कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।